हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। अभी हमारे प्लांट सेल के लिए जो वेक्टर्स हैं वो बचे हुए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर प्लांट सेल। जैसे आपने एग्रोबैक्टीरियम का नाम तो सुना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस जो कहलाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और वेक्टर्स हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का जो आपके सिलेबस में है वो आगे कहना चाहिए काफ़ी डिटेल में है, इसलिए हम उसको बाद में लेंगे, और इस वेक्टर को जो हम दूसरे वेक्टर्स ले रहे हैं उनको हम अभी ले रहे हैं। तो इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के अलावा भी कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे कोलिमोवायरस है या टीएमवी है, आपके जर्मी वायरसेस हैं, ये आपके प्लांट वायरसेस हैं। तो आज हम ले रहे हैं सीएएमवी, इसको कहते हैं कोलिमोवायरस। ये कोलिमोवायरस जो है वो बिलोंग करता है प्लांट वायरसेस वाली फैमिली को, और इसका जो कहना चाहिए कि होस्ट जो है इस वायरस का वो है क्रूसीफेरी फैमिली। तो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर कॉलीफ्लावर आता है, क्रूसीफर्स आते हैं, तो इन फैमिली को ये क्या करता है, ये वायरस जो है सीएएमवी जो है वो इन्फेक्ट करता है। हम वेक्टर इसको कैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि सीएएमवी का हमने कहा डीएनए यदि लिया जाए और उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके उसे वेक्टर बनाया जाए। ये हम अभी ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ, कि इसकी होस्ट रेंज लिमिटेड है और कहना चाहिए कि जो उसके साइज है वो डीएनए का वो काफ़ी बड़ा है, तो ये ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन इसको हम छोटे उसमें कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं इसी के साथ में, क्योंकि वायरस क्या करता है कि वायरस को यदि हम डायरेक्टली वायरस वाले हाथों से ही किसी लीफ को या हेल्दी प्लांट को रब करें तो वो डायरेक्टली उस प्लांट सेल में पहुंच जाता है। तो हम इससे इस तरीके से एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। अब कैसे, पहले हमें इसका डीएनए पता हो कि डीएनए कैसा होता है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, फिर हम उसमें क्या फॉरेन डीएनए को किस जगह पर उसे डाला जा सकता है, एज ए वेक्टर हम काम में किस तरीके से उसे लें। तो देखिए, ये इसका जीन का स्ट्रक्चर है, डीएनए का, सॉरी सीएएमवी का जीन है। इसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड में भी कुछ गैप्स हैं। एक गैप आप बाहर देख रहे हो बाहर वाले स्ट्रैंड में यहाँ, और अंदर वाले स्ट्रैंड में दो गैप, ठीक है। तो ये गैप वन है, ये गैप टू है और ये गैप थ्री, ठीक है, तीन गैप है। आप देख रहे हो इसके डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, और इसके डीएनए में तीन गैप हैं, एक बाहर वाले स्ट्रैंड में है, दो अंदर वाले स्ट्रैंड में है, जो ओवरलैप करते हैं थोड़ी सी स्ट्रैंड के अंदर गैप। अब इसमें जीन्स भी जो है वो बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं और हर जीन जो है वो अपना अलग अलग फंक्शन करता है। पहले हम इसकी जीन की रचना पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे क्योंकि किस तरीके से ये वर्क करता है, फिर इस जीन में हम कहाँ फॉरेन डीएनए डालें, ठीक है। तो ये जो जीन फर्स्ट है, ये जीन फर्स्ट है वो रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सेल स्प्रेडिंग। ये वायरल पार्टिकल बहुत जल्दी फैलते हैं, ये जीन फर्स्ट जो है वो इसकी स्प्रेडिंग में, सेल टू सेल स्प्रेडिंग के लिए जरूरी, ठीक है। जीन सेकंड जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिड मीडिएटेड डिस्पर्सल, इसका एफिड के कारण ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का, और एफिड मीडिएटेड डिस्पर्सल के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा और चौथा जीन, तीसरे जीन में आप देख रहे हो गैप आ रहा है, थर्ड जीन में एक गैप आ रहा है, सेकेंड गैप, थर्ड और फोर्थ जीन जो है वो इस वायरस के कोट बनाने के लिए काम में आता है, यानी कि एनकोड फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर वायरल कोट, वायरल कोट को बनाने के काम में आएगा, क्योंकि हर जीन अपना एक अलग काम करता है। यहाँ फोर्थ जीन हो गया, फिफ्थ जीन है कोड फॉर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हम इसकी लाइफ साइकिल में देखेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा मैसेंजर आरएनए से ये वापस अपना डीएनए कैसे बनाता, ठीक है। तो ये पांच जीन हो गए इसके, पहला है सेल टू सेल स्प्रेडिंग के लिए, सेकंड है एफिड मीडिएटेड डिस्पर्सल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, थर्ड और फोर्थ जो है इसके स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन बनाने के लिए, वायरल कोट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है,
फिफ्थ जीन जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सिक्स्थ जीन जो है ये है सिक्स्थ जीन, और ये है कोड फॉर वायरोप्लाज्म, वायरोप्लाज्म को बनाता है। ठीक है, ये सब इसके जीन्स हैं। और इसके अलावा आप देखिए जीन सिक्स्थ और इस फर्स्ट जीन के बीच में एक इंटरजीनिक सीक्वेंस है, इंटरजीनिक सीक्वेंस है जिसके अंदर गैप वन आ रहा है। इस इंटरजीनिक सीक्वेंस के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहां पर कि हम फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं। तो ये एस सच जो है, ये वेक्टर जो है, ये जो इसका डीएनए है वो एज ए वेक्टर काम कर सकता है, कब, जब हम फॉरेन डीएनए इसमें डाल दें। ठीक है, तो ये इसका जीन है, सीएएमबी का जीन है, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एफिड ट्रांसमिटेड है, ये एफिड ट्रांसमिटेड वायरस है जो कि एफिड से ट्रांसमिट होकर कहां पहुंच सकता है, इन्फेक्टेड टू हेल्दी सेल्स पहुंच सकता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी फैमिली इसकी होस्ट है, तो ये इसी क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स को ही इन्फेक्ट करता है। अब देखिए इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हमने इसका जीन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, इसमें कैसे कैसे ये इन्फेक्ट करता है किसको, होस्ट को, और अपने होस्ट में किस तरीके से अपने डीएनए को बनाता है। तो ये सीएएमबी एंटर करता है हेल्दी सेल में, कभी भी इन्फेक्टेड सेल के थ्रू जब हेल्दी सेल में पहुंचता है, उसके बाद इसका प्रोटीन कोड डी नेचर्ड इन साइटोप्लाज्म, होस्ट की साइटोप्लाज्म में इसका प्रोटीन कोड जो है वो डी नेचर हो जाता है, डी नेचर का मतलब खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, डीएनए बचा, डीएनए एंटर्स इन न्यूक्लियस, इसका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता हुआ न्यूक्लियस में चला जाता है। यहां ये अपना क्या बनाता है, डीएनए की कॉपीज बनाता है, कैसे बनेगी, ये एंटर कर गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर जाके इसके गैप्स जो हैं जो हमने यहां दिखाए थे वो सील हो जाते हैं, गैप्स आर सील्ड आफ्टर डाइजेस्टिंग ओवरलैपिंग सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड को जो ओवरलैप करता हुआ है उसके डाइजेस्ट होने के कारण, उनके समाप्त होने के कारण गैप सील हो जाते हैं, मतलब खत्म हो। तो ये कैसा हो गया, सुपर कॉइल हो गया, पूरा सर्कुलर हो गया और सुपर कॉइल हो गया। तो सुपर कॉइल होने के बाद ये होस्ट की प्रोटीन से मिलकर, अब होस्ट कौन सा है, क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में ये इन्फेक्ट किया है इसको, और वही इसका होस्ट है, तो होस्ट सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर आ गया है, वहां आके ये सुपर कॉइल हो गया है, और फिर होस्ट प्रोटीन से मिलकर क्या बना लेता है, ये मिनी क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, मिनी क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। अब होस्ट सेल का भी क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और ये मिनी क्रोमोसोम किसका, इसका, किसका, सीएमबी के डीएनए। यहां आके ये न्यूक्लियस के अंदर अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है, किसको यूज करके, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को यूज करके अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है। ठीक है, क्या हुआ, देखिए होस्ट सेल के अंदर एंटर किया, एंटर करके इसकी जो कोट है वो डीनेचर हो गई, क्या रह गया, केवल डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस में प्रवेश करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, वहां जाके इसके गैप सील हो जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, सुपर कॉइल्ड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मिनी क्रोमोसोम। ठीक है, मिनी क्रोमोसोम यूकैरियोट की, सॉरी जो होस्ट का, होस्ट जो क्योंकि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज सेकंड को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को यूज करके मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा तो जो होस्ट की सेल है उसमें जाके अपने वायरल प्रोटीन बनाता है, क्योंकि उसकी होस्ट की जो एंजाइम सिस्टम है प्रोटीन बनाने की वो कहाँ है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको यहां से न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और वायरल प्रोटीन बनाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में जा। ठीक है, इसी बीच क्या करता है कि ये माइनस स्ट्रैंड बना लेता है डीएनए का, पहले मैसेंजर आरएनए बनाते वक्त ही एक माइनस स्ट्रैंड बन जाता है, और माइनस स्ट्रैंड जो है किससे बनाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सा जीन निकालता है बनाता है? फिफ्थ जीन इसका जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है, तो उसके कारण इसका डीएनए भी बनता जाता है। तो मैसेंजर आरएनए तो इसने किस लिए बनाया? अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। मीनवाइल इसने क्या किया? माइनस स्ट्रैंड रिड्यूस कर लिया, और जब माइनस स्ट्रैंड बन गया तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्लस स्ट्रैंड भी बन जाता है। ठीक है, तो माइनस स्ट्रैंड रिड्यूस प्लस स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड बन जाता है, यानी इसका डीएनए भी अंदर बन जाता। और मैसेंजर आरएनए क्यों बनाया था? क्योंकि मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये अपनी वायरल प्रोटीन बनाएगा, कैप्सिड बनाएगा। अब प्लस स्ट्रैंड बन गया यानी एंटायर डीएनए फॉर्म हो गया। कैसे? मैसेंजर आरएनए बना था, मैसेंजर आरएनए के साथ साथ मीनवाइल इसने माइनस स्ट्रैंड बना लिया, माइनस स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस स्ट्रैंड भी बन गया। इसका मतलब एंटायर डीएनए इसके अंदर फॉर्म हो गया, और ये एंटायर डीएनए जो है वो फिर प्रोटीन कोट के अंदर जो इसके द्वारा बनाई जा रही है, वायरल प्रोटीन बन रही है ना, इसके द्वारा थर्ड एंड फोर्थ जीन के द्वारा वायरल प्रोटीन बन जाएगी, और ये वायरस के अंदर एनकैप्सुलेट हो जाएगी। क्या? डीएनए। ठीक है, तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। और फिर जब इसमें से इस तरह का जो वायरस है जिसके अंदर क्या बन गया है, ये डीएनए, एंटायर डीएनए बन गया है, अब ये दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये वायरस, वायरस बन गया ना इसमें होस्ट के अंदर, अब इस होस्ट वाली इन्फेक्टेड सेल को यदि हम रब करें किसी हेल्दी सेल पर या दूसरे सेल पर, इन्फेक्शन इसमें आराम से हो सकता है। ठीक है, इजीली इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये एंटायर डीएनए जब इसमें फॉर्म हो गया है, वायरल पार्टिकल भी बन गए हैं, तो अब ये दूसरी सेल पर एफिड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तो रही इसकी लाइफ साइकिल, ये जीन का स्ट्रक्चर और ये इसकी लाइफ साइकिल। अब हम इसको जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे काम में ले सकते हैं? तो हम इसके जीन में कह रहे हैं कि इंडोजेनिक सीक्वेंस पाया जाता है, यहां हम डीएनए, फॉरेन डीएनए को जोड़ सकते हैं, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। और काम में हम इसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें इंडोजेनिक सीक्वेंस है और इसका इन्फेक्शन इन्फेक्टेड सेल टू हेल्दी सेल तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वायरस हम कहते हैं वायरल हो जाना किसी चीज का, इट मीन्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाना। तो हमें क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो इन्फेक्शन के थ्रू हम मल्टीपल कॉपीज इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जीन का स्ट्रक्चर देख लिया है, एक लाइफ साइकिल देख ली है। अब इस लाइफ साइकिल को पढ़ते पढ़ते ही हमें जीन के स्ट्रक्चर के, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इंडोजेनिक सीक्वेंस है, हम उसे एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में ले सकते हैं। तो हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर में से कैसे ले सकते हैं? क्योंकि इसके आइसोलेटेड डीएनए में इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी है हेल्दी सेल को। ठीक है, कैसे? क्योंकि प्लांट सेल को, ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट सेल को यदि डायरेक्टली रब किया जाए हेल्दी सरफेस पर, हेल्दी प्लांट सरफेस पे, तो वो डायरेक्ट इन्फेक्शन चला जाता है, एफिड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और एक बार ये एंटर कर गया, वंस एंटर्स द सेल इट प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए, ये तुरंत ही डीएनए की कॉपीज इसकी बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? होस्ट सेल की यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को यूज करके ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। मीनवाइल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बना के, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें बन ही जाता है कोड फिफ्थ जीन के कारण, तो ये वापस डीएनए को भी प्रोड्यूस कर ले, तो इसकी कई सारी कॉपीज बन जाती है। ठीक है, अब कैसे? ऐसा जो वायरल डीएनए है वो यदि वायरस बाहर आ जाए तो न्यू सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इस आइसोलेटेड डीएनए को, इसको आइसोलेट करें और इसके इंटरजेनिक सीक्वेंस में फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, आइसोलेटेड डीएनए का टेक्ट इंटरजेनिक सीक्वेंस, वहां इंटरजेनिक सीक्वेंस जो है उसको हमने कट किया और क्या किया, उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिजल्टिंग डीएनए इज रब्ड ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस पर रब किया और आर डीएनए जो है वो एंटर्स इन प्लांट सेल। कैसे? केवल रब करने से ही, उसको कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे हाथ से ही रब कर दे मान लीजिए, तो भी ये प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है,
एंड प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ वायरल वायरस एंड डीएनए। इसी तरीके से जैसे लाइफ साइकिल इसकी हमने दिखाई, इस तरीके से ये कई सारी कॉपीज डीएनए की बना। ठीक है, अब ये इन्फेक्टेड प्लांट सेल जो है हमें दिखाई देगा, उसमें क्लोन्ड जीन के करेक्टर हमें इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमने आइसोलेटेड डीएनए को, डीएनए को आइसोलेट किया, इसके डीएनए को इंटरजेनिक सीक्वेंस में फॉरेन डीएनए डाल दिया और उसको हमने डायरेक्ट ड्रॉप करा सकते हैं हेल्दी लीफ सरफेस पर। तो उससे ये जो डीएनए है वो डायरेक्ट आरडीएनए एंटर कर जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर, और कई सारी कॉपीज इसके अंदर बन जाएंगी, क्योंकि इसके डीएनए में वायरल प्रोटीन भी बनाने की कैपेबिलिटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाने की भी कैपेबिलिटी है। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा एज ए वेक्टर हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के लिए हम सीएएमवी को एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे केवल 200 टू 300 बेसेस जो हैं इसके अंदर, 200 टू 300 बेस पेयर्स ही इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका डीएनए इतना बड़ा है कि इसमें हम छोटा डीएनए ही इंसर्ट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा डीएनए इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ छोटा डीएनए, स्मॉल डीएनए ही हम इसमें इंसर्ट कर। दूसरी बात यह है कि जो इसमें आपने जीन स्ट्रक्चर देखा है इसका, ये जीन काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है, 6 जीन हमने बताए इसके, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है। इस कॉम्पैक्टली अरेंज जीन्स के कारण क्या होता है कि इसके साइज को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हर जीन अपना अपना काम करता है और हम डायरेक्टली काम में लेना चाहते हैं इसके, कोई इसमें खराब जीन ऐसा नहीं है, अलग अलग काम कर रहे हैं सारे जीन्स, तो हम क्या करें, इसके जीन को, इसके डीएनए को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि इसमें इसकी जो होस्ट रेंज है, क्या है होस्ट, क्या है क्रूसीफेरी फैमिली, तो क्रूसीफेरी फैमिली को ही ये इन्फेक्ट कर सकता है, इट मीन्स इसकी होस्ट रेंज काफी कम है। तो यानी हम फॉरेन डीएनए भी इंसर्ट करते हैं, उससे इन्फेक्शन करना चाहते हैं, तो फॉरेन डीएनए भी हम केवल एक ही फैमिली के अंदर अंदर ही इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जो इस वेक्टर के थ्रू जो ट्रांसमिशन कहना चाहिए कि फॉरेन डीएनए का कॉपीज बनाना है, वो हम किसी में कर सकते हैं, केवल केवल और केवल क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि होस्ट ही इसका ये है, दूसरी फैमिलीज पर ये इन्फेक्शन ही नहीं फैलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात जो इम्पॉर्टेंट है कि इसका डीएनए ना तो होस्ट सेल में एज ए प्लाज्मिड रह सकता है, जैसे हमने पहले के उसमें देखा, फेजमिट में देखा था कि एज ए प्लाज्मिड वो रिलीज हो जाता है और प्लाज्मिड की तरह जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अपने आप मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो ना तो ये एज ए प्लाज्मिड इसमें रह सकता है, इसमें होस्ट सेल में, और ना ही ये होस्ट के जीनोम से इंटीग्रेट होता है, जैसा कि हमने लैम्डा डीएनए में देखा था। ठीक है, तो इसके ये ड्रॉबैक्स भी हैं कि एक तो इसकी होस्ट रेंज कम है, दूसरा इसका डीएनए का साइज इतना बड़ा है कि हम छोटा फॉरेन डीएनए ही इसके अंदर डाल सकते हैं, डीएनए के जो जीन्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, हम इसके साइज को रिड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये जो डीएनए है वो प्लाज्मिड की तरह भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रिलीज हो सकता है होस्ट सेल में, और न ही होस्ट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट होता है, जिससे इसका रेप्लिकेशन जो है, न तो होस्ट जीन के इंटीग्रेट होने से क्या होगा, होस्ट जीन जब रेप्लिकेट हो तो ये अपने आप होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंटीग्रेट नहीं होता, और न ही एज ए प्लाज्मिड ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो प्लाज्मिड भी क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है, तो प्लाज्मिड की तरह भी ये नहीं रह सकता। इट मीन्स केवल और केवल इसके सारे जीन्स जरूरी हैं तभी ये रेप्लिकेट होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक ही वेक्टर पढ़ा है प्लांट सेल का, जिसे हम कहते हैं सीएएमवी कोलिमोवायरस, और जो कि क्रूसीफेरी फैमिली को इन्फेक्ट करता है। इसे बहुत सारे वायरस हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जर्मी वायरस है और आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस है, जो कि आप एक्स्ट्रा बिल्कुल डिटेल में, पूरा काफी डिटेल में उसका है, तो उसको आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वेक्टर लेंगे। थैंक यू सो मच।